लेकिन हम लोग बेसुर, घर में भी बेसुर, पति पत्नी में भी बेसुर। एक आदमी हमें छतरपुर का मिला, अब हमें तो मिलते ही रहते हैं, अपन यहीं के एक आदमी। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जितेंद्र छारिया जी का मित्र था। एक आदमी हमें मिला, हमका और बताओ क्या हाल है। बोले पत्नी को चुप कराने का उपाय बताओ। हमका उपाय नहीं है, बाकी उपाय हमारे पास तो ऐसा है नहीं है। बोले पति पत्नी में अंतर क्या है ये बता दो, तब हम तुम्हें विद्वान मानेंगे। हमका विद्वान तो तुम कभी मानना ही मत हमें, पर अंतर बता देते हैं। हमने कहा पति वो है जो इस कान से सुने इस कान से उड़ा दे वो पति, और पत्नी वो है जो दोनों कान से सुने मुंह से निकाले वो पत्नी। खैर बाद में वो चेला बन गए, अब तुम जीतेंद्र मत समझ जाना। तो ये विनोद की चर्चा है, इसीलिए हम सबको भगवान की कथा को हृदयंगम करना चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसमें आपका पेट फूल जाएगा हंसते हंसते। कल बागेश्वर धाम सरकार प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। होटल के उद्घाटन के बाद में बागेश्वर धाम सरकार प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में गए, जहां बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत ही हंसी मजारी और लोगों को बहुत ही ज्यादा हंसाया। इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत मजे की वीडियो है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे लोग बागेश्वर धाम सरकार से मजे लेने के लिए उनके पास में बैठे हैं, उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि लोगों को बागेश्वर धाम सरकार की बहुत मजेदार बातों से आनंद आता है। जानकी शोकनाशनम कपीश मक्ष हम तारम वंदे लंका भयंकरम। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकना चूर। दरबार में की डायरेक्ट बागेश्वर धाम से जय श्री राम।